नतीजों के बाद कयासबाजी का दौर खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है और कार्यभार भी संभाल लिया है। पहले दिन पहली फाइल पर साइन कर दिया है। पहला फैसला देश के किसानों के नाम हुआ और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी गई। इस बीच खबर है कि पीएम जल्द गरीबों के लिए 2 करोड़ नए घरों की सौगात भी दे सकते हैं। शपथ को 24 घंटे नहीं बीते हैं और पीएम ने मिशन मोड में काम करना शुरू भी कर दिया है। पहली कैबिनेट की बैठक भी चल रही है इस वक्त जब हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। लेकिन इस बार बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है और यही से उसके लिए चुनौतियां भी शुरू होती हैं। सहयोगियों को संभालना है, सबको साथ एक कॉमन पेज पर लाना है, अपने एजेंडे को क्या पीछे करना रखना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए जितने मुद्दे हैं उतनी चुनौतियां हैं। और इसके अलावा हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटों में जो कुछ घटा है वो भी पीएम मोदी के लिए विरोधियों के पास एक हमले का मौका उनको मिला है। आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे, रियासी की भी बात करेंगे, कैबिनेट की भी बात भी करेंगे और समझेंगे कि बड़े फैसलों के 100 दिन तो मोदी 3.0 में क्या क्या मुमकिन। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी के एजेंडे में तो रहे हैं, लेकिन अब वो एजेंडे जो हैं उनके साथ साथ चुनौतियां क्या आ रही हैं ये भी देखिए। देखिए बिहार आंध्र को विशेष दर्जा देना है, लेकिन अब जेडीयू और टीडीपी दोनों का यहां पर दबाव है, ये कैसे देगी मोदी सरकार ये देखना होगा। आतंकवाद पर सख्त नीति पर साथियों का सहयोग चाहिए होगा और रियासी में जो हुआ है उसके बाद एक बार फिर से विरोधी पूछ रहे हैं पीएम मोदी से सवाल कि आप कश्मीर में 10 साल में शांति की बात कर रहे थे, क्या ये है शांति? रोजगार, सरकारी भर्ती, युवाओं का भरोसा जीतना होगा। जाति जनगणना पर नीतीश का जो प्रमुख एजेंडा है उस पर एक सहमति बनानी होगी, क्या सरकार इसके लिए तैयार हो पाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, क्या जेडीयू और टीडीपी उस पर उसी तरह से आएंगे जैसा बीजेपी चाहती है? CA NRC कई बार विरोध दिखा है, अब यह भी देखना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को में क्या कोई बदलाव होगा, क्योंकि नीतीश और नायडू उसको छेड़ना नहीं चाहेंगे। मुस्लिम आरक्षण, टीडीपी 4% रिजर्वेशन जारी रखेगी, उसने कह दिया है, अब बीजेपी इसको कैसे साथ लाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन, कई साथियों का इस पर विरोध है और POK जो कि खुद संसद में कह चुके हैं गृहमंत्री, अब सहयोगियों का एजेंडा अगर नहीं है तो इस पर कैसे सहमति बनेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर है, पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी का पहला बयान, मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ के कोई और नहीं, मेरे लिए 140 करोड़ लोग नागरिक नहीं परमात्मा का रूप हैं, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है, उस भाव से मैं काम करता हूं। और इतना नहीं, पीएमओ के कर्मचारियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट, एक इरादा, 2047 तक विकसित भारत, 10 साल का अनुभव है, जो तय किया वो करके रहे, ये भी कहा पीएम मोदी ने। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत, और मैंने पब्लिकली कहा है मेरा पल पल देश के नाम है और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047 मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से ये चाहता हूं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। और इसी बीच जो मैं आपको बता रहा था, मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, चल रही है पीएम आवास पर यह बैठक और पहली बैठक में पीएम आवास योजना पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। आवास योजना के लिए सहायता में बढ़ोतरी संभव, ये बताया जा रहा है। राष्ट्रपति से जल्द संसद सत्र बुलाने की मांग भी की जा सकती है, लेकिन ये पहली कैबिनेट की तस्वीरें आपके सामने। कल प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों ने शपथ ली और उसके बाद आज ये पहली कैबिनेट की बैठक पीएम आवास पर चलती हुई आपको तमाम
तमाम मंत्री यहां पर दिख जाएंगे जिन्होंने कल शपथ ली है। और अब बहुत अहम हो जाती है ये कैबिनेट, क्योंकि ये पहली कैबिनेट है। देखिए आज मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कौन कौन है मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के प्रवक्ता है, सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आनंद दुबे है शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे से है, मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जुड़ेंगे एनसीपी अजीत पवार से, और रोहित अग्रवाल आरएलडी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और आनंद भी मुझे यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता। आप सभी का स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आनंद के पास जाऊंगा। आनंद, कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है, कितनी अहम है और क्या हो सकता है इस कैबिनेट मीटिंग में फैसला, बताइए जरा। देखिए, लगभग एक घंटे से मोदी सरकार के तीसरे टर्म की पहली कैबिनेट की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि उसमें पीछे महात्मा गांधी की एक बड़ी सी तस्वीर भी है। इसे एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि सरकार के जो भी फैसले होंगे उसमें महात्मा गांधी के विचारों की और उनके विजन की छाप होगी। और रही बात आज की बैठक की, तो जैसा कि आपने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रपति से आग्रह किया जाएगा कि संसद का सत्र जल्द से जल्द बुलाएं, और साथ ही साथ ये भी आग्रह किया जाएगा कि वो संयुक्त सत्र जो है संसद का उसको जल्द से जल्द संबोधित करें। तो ये राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव होता है। और इसके अलावा जो आपने बताया कि ग्रामीण आवास योजना जो है उसमें 2 करोड़ घरों को आज मंजूरी मिल सकती है, और साथ ही साथ जो शहरी आवास पीएम आवास योजना है उसमें जो सरकारी मदद मिलती है उसको थोड़ा और बढ़ाने का फैसला भी आज कैबिनेट में हो सकता है। आज की इस कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें तमाम जो फैसले कैबिनेट में लिए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, चूंकि अभी जो भी मंत्री अंदर बैठे हैं उनके पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री क्या इन मंत्रियों को कहते हैं या क्या उन्होंने कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने जितने भी आज मंत्री बैठे हुए हैं उसमें कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए भी उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ वो पहली बार काम कर रहे हैं, तो वो उनके साथ अपना विजन शेयर करेंगे और एक मंत्री के नाते उनसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये संभव है कि पोर्टफोलियो के बाद किसी को लग सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो कम छोटा है, और किसी को लगे मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है। तो जाहिर तौर पर पीएम जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था कि पोर्टफोलियो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप क्या काम कर रहे हो, किस मिशन से काम कर रहे हो, किस मकसद से काम कर रहे हो, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, कुछ शफलिंग होगी, या जो लोग पहले जो पोर्टफोलियो संभाल रहे थे उनको वही मिलेंगे कारोबार, और जो लोग गए हैं उनकी जगह जो नए आए हैं उनको वो मंत्रालय होंगे। आनंद, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट चल रही है और उसमें कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ यहां पर जो पॉलिटिकल पैनल है मैं उसके पास जाना चाहूंगा, और ब्रजमोहन जी शुरुआत आपसे करूंगा। देखिए, मैंने अभी एक लिस्ट पढ़ी चुनौतियों की, उसमें एक चुनौती यह भी है कि अपने गठबंधन के सहयोगियों को कैसे बीजेपी साथ लेकर चलेगी। अच्छा लगता आपको अगर आज आपके नेता भी इस कैबिनेट मीटिंग में होते, कहां पर सर दिक्कत है, क्यों फंसा हुआ मामला? गौरव जी, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं फंसा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और वहां जो आज कैबिनेट बैठी है उसको देख के हम लोगों को प्रसन्नता है, माना कि उसमें आज हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वहां पर लिए जाने वाले फैसलों से हम लोग असहमत है या वहां पर हम लोग सहयोगी दल के रूप में नहीं है। ये बात सच है कि हमारा वहां पे कैबिनेट में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। 2 महीने बाद हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल वहां पर कैबिनेट में आपको दिखेंगे, ये बात मैं आपको 2 महीने बाद दिखेंगे। ये क्या आप लोगों को कोई टाइमलाइन दी गई है, कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, टाइमलाइन नहीं है। इस पे स्थिति यह है कि 4 सांसदों के कारण जब किसी के दल के पास 4 सांसद हैं तो उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया जाएगा, ये बातें थी। क्योंकि हम लोगों के पास 4 सांसद अभी नहीं है, आने वाले इलेक्शन आने वाले समय में 2 राज्यसभा के मेंबर हमारे इलेक्ट होना है, 2 सीट खाली हुई है, तो वहां से हमारे लोग चुनके जब आएंगे। नहीं, तो आपको तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ऑफर किया गया था, लेकिन चूंकि हम लोग ये चाहते थे कि वहां पर हमारी पार्टी का नेतृत्व आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब करें, और प्रफुल्ल पटेल साहब ने एक लंबे समय तक देश की सेवा एक कैबिनेट मंत्री के रूप में की है, वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही सक्रिय मंत्री के रूप में उनकी पहचान रही है। यहाँ पर भी हम लोग चाहते ये थे कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, लेकिन चूंकि एक ये पॉलिसी डिसीजन होने के कारण ये संभव नहीं था। नहीं, लेकिन वो तो नहीं दिखता, ब्रजमोहन जी, जीतन राम मांझी एक ही सांसद है और वो कैबिनेट मंत्री है। नहीं, देखिए उनकी वो वहां की स्थिति कुछ और है, लेकिन यहाँ के लिए कुछ और पॉलिसी थी, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। पर निश्चित जानिए, इस पर किसी प्रकार की कोई भी असंतोष या किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी ना हमारे दल में, ना हमारे नेताओं के बीच में, ना गठबंधन के साथियों के बीच में। ठीक है, तो बताइए फिर प्रेम शुक्ला जी, यही चुनौती सबसे ज्यादा है। आपने वहां पर कुछ शर्त रखी थी, वो शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए कैबिनेट मंत्री इनको नहीं मिल पा रहा है। और यही मैं कह रहा हूं कि मोदी 3.0 का काम शुरू हो गया है, लेकिन क्या क्या इसमें मुमकिन है ये हम बात कर रहे हैं।
गठबंधन को चलाना ये अब थोड़ा सा लग रहा है कि एनसीपी अजीत पवार के गुट के रुख को देखते हुए कि थोड़ा सा कठिन है। नहीं, हमारे गठबंधन के साथी जो हैं वो पूरी तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ हैं। गठबंधन के संचालन में, सरकार के संचालन में, गठबंधन के साथियों की जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति में और जनकल्याण में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम पूरे विश्वास में हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यह सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण करेगी और इस देश को जो है विकास के नए सोपान पर ले जाएगी। तो क्या क्या मुमकिन है फिर मोदी 3.0 में, यह बता दीजिए आज, वो कौन से बड़े फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं? 24x7 2047 तक आदरणीय मोदी जी परिश्रम करके भारत को पहले तो जो है इन 5 वर्षों के कार्यकाल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बनाएंगे। 70 वर्ष से अधिक जो आयु वर्ग के लोग हैं उन हर किसी को जो है आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। 3 करोड़ लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान सुनिश्चित होगा। सारे लोगों को जो है हर घर नल से जल योजना का जो है विस्तार पूरा किया जाएगा। इसी तरह से जो है नारी के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए हम जो है लगातार जो है उनके कल्याणार्थ जितनी भी कल्याणकारी फैसले हैं वो लिए जाएंगे इस कार्यकाल में। लेकिन आपने आतंकवाद के खात्मे का नाम नहीं लिया प्रेम शुक्ला जी, सरकार जब शपथ ले रही थी जम्मू को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, वो आपके एजेंडे में है? तो हमारा पहले से संकल्प है, आतंकवाद का खात्मा तो हमारा संकल्प है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका गौरव जी। आतंकवाद 70% पूरे देश से तो आतंकवाद लगभग समाप्त कर दिया गया। नहीं तो आपको तो ध्यान होगा कि मुंबई की लोकल ट्रेन में भी कोई चलता था, हम लोग मुंबई के रहवासी, हम मुंबई में कोई परिजन जाता था तो हमको विश्वास नहीं होता था कि शाम में रात में वो सुरक्षित लौट कर आएगा। मुंबई की ट्रेनों में बम कांड होता था, कभी जो है कालवा देवी के बाजार में बम कांड हो जाता था, कभी बस में बम फट जाता था, कभी जो है वो श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फट जाता था, कभी रघुनाथ मंदिर पर हमला हो जाता था, कभी होटल ताज पर हमला हो जाता था, कभी ट्राइडेंट पर हमला हो जाता था। ये जो आप गिना रहे हैं ये सब हुआ इस देश ने देखा है। मैं तो कह रहा हूं कल जब सरकार शपथ ले रही थी तब भी एक बड़ा ये जरूरत नहीं कर सकता, वो जानता है कि घुस के मारेंगे। हाँ निश्चित तौर पर उन आतंकवादियों को भी घर में घुसकर मारेंगे ये तय है। आतंकवाद सर एक मिनट रुकूंगा, एक बड़ी खबर आ गई है। देखिए एक बड़ी खबर आ गई है, मोदी 3.0 की जो कैबिनेट हो रही है उसमें एक बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले आपको बताया था और देखिए एग्जैक्टली वही यहां पर खबर आती हुई, 3 करोड़ घर बनेंगे और मोदी 3.0 की कैबिनेट का पहला फैसला है ये, और ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है। इस पर हम आगे भी बताते रहेंगे आपको जो जो फैसले आते रहेंगे, लेकिन अब सुरेंद्र राजपूत में आपके पास आऊंगा। देखिए सुरेंद्र राजपूत पर आप लोग इनको क्यों घेर रहे हैं, दो कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और 3.0 के देखिए फैसले भी आने शुरू हो चुके हैं। आतंकवाद का खात्मा भी करेंगे, किसानों को किसान निधि भी देंगे और अब देखिए घरों का फैसला भी हो चुका है। भाई आप कहेंगे तो नहीं घेरेंगे, हम लोग भी जय 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 करते रहेंगे। आप चाहते हो तो आप अपनी भूमिका सही तरीके से निभा लो, जो स्थायी विपक्ष की है गौरव भाई, तो हम अपनी भूमिका और सही तरीके से निभा लेंगे। आप हमें एक बात बताइए, क्या विपक्ष का काम रचनात्मक आलोचना का है या नहीं है? सत्ता की रचनात्मक आलोचना का काम टीवी वालों का, मीडिया वालों का है या नहीं है? हमने तो पत्रकारिता की पढ़ाई में यही पढ़ा है। अब नई सरकार आई है, हम पुरानी चीज़ों के लिए लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। हम तो आपसे 3-4 चीज़ें पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। भाई आज की डेट में इतनी मजबूर सरकार आपने कभी अगर देखी हो तो मुझे बता दीजिए, जिसमें प्रफुल्ल पटेल कहे कि साहब हम कैबिनेट नहीं लेंगे, आदरणीय ब्रजमोहन जी कह रहे हैं 4 सांसद और उन्होंने कहा कि बिहार की परिस्थिति अलग है। अरे ब्रजमोहन जी बिहार की परिस्थिति तो चलो जीतन रामा जी की मान ली, लेकिन आपके सहयोगी हैं शिंदे साहब, उनके तो 7 सांसद हैं, उनका फिर कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं, आप बताइए ना। ऐसा है कि इस तरीके की बातें ब्रजमोहन जी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, प्रेम शुक्ला जी करें तो कोई बात नहीं, उन्हें सत्ता को बचाना है। आप मुझे बताइए कि कल जो आतंकी हमला हुआ उस आतंकी हमले को लेकर के सरकार की आप क्या तैयारी,
किस तरीके की वारदात है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी का क्या नाम शपथ ग्रहण हो रहा है, उसी समय हमारे 10 लोग मारे जा रहे। आप हमको बताइए कि आज जो एक चर्चा चली, मुझे नहीं मालूम कितनी सच है, केरल के एक सांसद की, जिसने सुरेश गोपी ने जो मंत्रिमंडल की शपथ ली। आप हमें बताइए कि आज की डेट में जाति जनगणना पर कौन सा फैसला लिया जाएगा। 3 करोड़ आवास तो एक ऑन गोइंग, एक जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या नाम ये आपकी वो है किसान सम्मान निधि, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को प्रधानमंत्री का ऑर्डर क्यों आप मान रहे हैं? आज आप नया क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को, आपने कहा था पीएको को हम 6 महीने के अंदर, आधिकारिक स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम हिंदुस्तान में मिलाएंगे। एक एक भारतीय, एक एक कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, एक एक भारतीय, भारतीय जनता पार्टी सवाल, इसका जवाब मैं चाहूंगा। अगर पीओके को 6 महीने में आप हमारे हिंदुस्तान में लेकर के आइए। ठीक है, ये सवाल, इसका जवाब बीजेपी दे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ बीजेपी के सहयोगी इसका जवाब दे, रोहित, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हो सकता है एनडीए की मीटिंग में आप लोगों की बातें हुई हो। पीओके को 6 महीने में लाना, यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन, CA, NRC, UCC, क्या इन सारे मुद्दों पर एनडीए के घटक दल होने के नाते और बहुत अहम घटक दल होने के नाते आप लोगों की सहमति बन गई है? देखिए गौरव भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि कल ही हमने शपथ ली है और आज ही से विपक्ष ने हमें घेरना शुरू कर दिया है। ये विपक्ष का कहीं ना कहीं जो डर है वो दिखाई पड़ रहा है, विपक्ष की कहीं ना कहीं जो सत्ता भूख है वो दिखाई पड़ रही है। विपक्ष निरंतर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इसमें एनडीए में तोड़फोड़ की जाए और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि कब यहां से टूटेगा और इनके भाग्य से वो बिल्ली का जो एक छीकरा होता है ना वो फूट जाए और ये किसी तरीके से ये अपने युवराज को सत्ता की कुर्सी पे बैठा सके। यहाँ तो स्थिति ये है कि यहाँ तो लोग मंत्री पद लेने को तैयार नहीं है, मंत्री पद से भी लोग नकार दे रहे हैं और वहीं इनको देखिए ये पूरी तरीके से अपने युवराज को नकार दिया। रोहित, मंत्री पद के लिए किसने नकार दिया? प्रफुल्ल पटेल जी ने। तो अभी आपके चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने मंत्री पद लेने से नकार दिया, आपको बता रहे हैं हम ऐसे ही क्यों नकार रहे हैं? वो त्याग नहीं है, वो और अच्छा पोस्ट चाह रहे हैं, और अच्छा मंत्री पद चाह रहे हैं, इसलिए नकार रहा उन्होंने। हाँ गौरव भाई, उन्होंने कहा कि अगर वो पोस्ट नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी आपको पूरी तरीके से सहयोग देने को तैयार हैं। त्याग है क्या रोहित जी का कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं? त्याग है, ये त्याग है या ब्लैकमेलिंग है? नहीं नहीं, ये ब्लैकमेलिंग कैसे हो सकती है? आपके सामने एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो आप सब कह रहे हैं कि भाई साहब हम ये त्याग करने को तैयार हैं, अगर हमको लग रहा है कि हम हमारे कद के साथ पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा, लेकिन हम पूरा समर्थन एनडीए के साथ कर रहे हैं। और वहीं आप देखिए विपक्ष को, विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता चला जा रहा है, विपक्ष निरंतर कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि अब ये एनडीए के अंदर फूट होने का माहौल है। भाई साहब यहाँ फूट होने वाली नहीं है। अच्छा, मैं एक बड़ी खबर आ रही है वो दिखाना चाहता हूँ, फिर आनंद दुबे क्योंकि मुस्कुरा रहे उनके पास जाऊंगा और प्रेम जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये खबर देखिए जो आप कह रहे ना एनडीए के अंदर ऑल इज वेल, एक बड़ी खबर, मंत्री पद पर महाराष्ट्र में खिंचतान बढ़ गई है। शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने का बयान आया है, शिवसेना शिंदे गुट से, उन्होंने कहा है हमें कैबिनेट मंत्री की उम्मीद थी, 5 सांसद वाले चिराग कैबिनेट मंत्री बने, हमें राज्य मंत्री ही दिया गया। आमची अपेक्षा होती की शिवसेना पक्षाला एक कैबिनेट मंत्री आणि एक राज्य मंत्री पद मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु खरं तर शिवसेना पक्ष भारतीय जनता पक्षाचा अतिशय जुना साथी म्हणून शिवसेनेकडे पाहिलं जातं, परंतु केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाने खरं तर कॅबिनेट मंत्री पद द्यायला पाहिजे ही आमची अपेक्षा होती। 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्री पद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्री पद देण्यात आलं। दुजाभाव शिवसेनेच्या माध्यम बाबतीमध्ये होतोय। प्रेम जी यही मैं सवाल पूछ रहा हूं, देखिए अब शिवसेना शिंदे गुट ने भी आपसे सवाल पूछ लिया, 5 सांसद वाले चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री और हमें राज्य मंत्री, तो वही मैं पूछ रहा हूं एनडीए में आप पर प्रेशर बढ़ रहा है अभी से ही, एक दिन भी नहीं हुआ पूरा शपथ लिए हुए। जी कोई प्रेशर नहीं है, बारने जी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। बारने जी इस बात को भी जानते हैं कि 50 विधायकों वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बनते हैं और 105 विधायकों वाले व्यक्ति उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो इस तथ्य को भी आदरणीय बारने जी भली भांति जानते हैं। और एकनाथ शिंदे जी को मैं 1997 से जानता हूँ, हम दोनों जो हैं बहुत करीब से काम भी किए हैं। एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कार्यकाल पूरा करने के लिए अपना समग्र समय देंगे और पूरा समर्थन देते रहेंगे। नहीं, लेकिन अगर पार्टी का चीफ व्हिप कह रहा है तो उसका कुछ तो मतलब होगा। अच्छा आनंद दुबे, आपको क्या लगता है ये जो बारने कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? हाँ है भाई, उनकी आकांक्षा प्रकट करना उनका अधिकार है, पब्लिक फोरम पे कर रहे हैं वो, आकांक्षा प्रकट करना उनका अधिकार है। अच्छा ठीक है, पब्लिक फोरम में भी करने में क्या आपत्ति है? आनंद दुबे, आकांक्षा है, इसमें आप ज्यादा मतलब मत निकालिए। गौरव जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए ऐसा है, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी रुझान है, नतीजे तो कुछ महीने बाद ही आपको देखने मिलेंगे। एक चीज की खुशी है कि एक अकेला सब पे भारी अब सुनने को नहीं मिलेगा, अब सुनने मिलेगा कि एनडीए 3.0 या एनडीए की जो सरकार बनी है, हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो काम इन्होंने पूरे नहीं किए वो काम ये आने वाले 5 साल में करेंगे, और 2047 में विकसित भारत कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये इसकी चिंता ये न करें। वो चुनाव दर हर 5 साल में हमारे देश में चुनाव होता है, जो चुनाव जीतेगा वो विकसित भारत की तरफ आगे की भूमिका निभाएगा। तो एक चीज़ शुरुआत अच्छी हुई है देश में कि अब कोई एक व्यक्ति का राज नहीं है, एक पूरी सामूहिक कैबिनेट, सामूहिक मंत्रिमंडल तय करेगा कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, किसान भाई बहनों ने मांगा है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनका कहना है कि हम जितनी ताकत से, जितनी लागत से अपने खेती करते हैं उसके रिटर्न में हमको उतना पैसा नहीं मिलता, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि हम जितनी अब मेहनत करते हैं हमारी मेहनताना कम से कम न दुगुनी तो कम से कम एक गुना तो हमें वापस मिले। तो इस पर ये सरकार जरूर काम करेगी। दूसरा, ये सरकार कह रही है कि हम 3 करोड़ लोगों को घर देंगे। इस देश में 3 करोड़ लोगों को घर देने से कुछ नहीं होगा, कई करोड़ लोगों को आपको घर देना होगा। 4 करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं ऑलरेडी, 3 करोड़ अतिरिक्त देंगे करने से काम नहीं चलेगा। 3 करोड़ और 4 करोड़ मिला के 7 करोड़ ही हो रहे हैं इस देश में, जहां 80 करोड़ लोग आज भी राशन लेने के लिए मोहताज हों कि अगर उन्हें सरकार भोजन देगी तब वो भोजन करेंगे। तो इससे इस देश को ऊपर लेके चलना है। इस देश में आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अगर 2 करोड़ आप नहीं दे पा रहे हो वो एक जुमलेबाजी थी, तो हाथ जोड़ के कहो कि 50 लाख तो साल का देंगे तो भी 5 साल में 2.5 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी। फिर आप कहिए कि हम महंगाई कम करेंगे, जो पेट्रोल डीजल और माताओं बहनों के घरेलू तो इसमें वो क्या नहीं कह रहे हैं, सब तो कह रहे हैं, कम वो करेंगे, तो सब कह रहे हैं हम सब करेंगे, आप तो एक हिसाब से उन्हीं के एजेंडा पढ़ रहे हैं। केवल कहते हैं, उन्हीं को रोकने के लिए, उन्हीं को रोकने के लिए तो विपक्ष बना हुआ है। हाँ। हमें भारत की जनता जनार्दन ने विपक्ष में बिठाया है ताकि उन पर नजर बनाए रखे। लेकिन फिर भी ये इसका जवाब अभी प्रेम शुक्ला देंगे, प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे। वो बोल रहे हैं कि हम तो 2047 तक 2047 काम करेंगे, लेकिन 47 तक नहीं, लेकिन जुमलेबाजी है गौरव जी, 47 जुमलेबाजी है। ब्रजमोहन जी, आपको भी लगता है 47 जुमलेबाजी है? नहीं नहीं, बिल्कुल जुमलेबाजी नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से बहुत पहले इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि आज हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 45 करोड़ है, आने वाले 25 साल में हम लोग 1 अरब 75 करोड़ होंगे। ऐसी स्थिति में देश के लिए 25 साल की अगर हम रणनीति नहीं बनाएंगे, 25 साल की अगर ब्रजमोहन जी आप 47 की रणनीति बनाइए, बिल्कुल बनानी चाहिए। लेकिन अभी महाराष्ट्र में देखिए बारने साहब का क्या स्टेटमेंट आया, तो आप पहले संगठन को तो मजबूत बनाइए, अगर संगठन बनाना ना, अपने गठबंधन को तो मजबूत बनाइए। गठबंधन में महाराष्ट्र में क्या ऑलिस वेल है? बात रखिए, गठबंधन पूरी तौर से मजबूत है, गठबंधन में किसी प्रकार का कोई भी लेश मात्र का ऐसी स्थिति नहीं है कि गठबंधन में कोई विवाद पैदा हो गया हो। ये अपनी बात रखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर कोई अपनी बात रख रहा है, हमारे परिवार के मुखिया है वो, उनके सामने अगर नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? फैसला उनको लेना है, जो वो फैसला लेंगे। अरे तो फिर एनडीए की मीटिंग किस लिए होती है सर? गठबंधन की मीटिंग किस लिए होती है? वहां क्या किया जाता है? वहां चाय कॉफी तो पीने नहीं जाते होंगे ना आप लोग, वहां भी तो अपनी बात रखने जाते होंगे ना। जाहिर सी बात है, वहां पर आपकी बात नहीं मानी गई तभी आज आप पब्लिक फोरम पे ये बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बात ना मानने वाला मुद्दा ही नहीं है अभी, अभी तो ये बात सामने आई है, इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। उसको कोई ऐसा मैं नहीं सोचता ऐसा कोई मुद्दा है जिसके फैसले में कोई चीज अड़चन सामने आ रही हो या जिसपे कोई
नहीं मैं रोहित, क्योंकि आप भी एनडीए के लाए हैं, एक मिनट सर रुकिए, मैं क्लियर करता हूं रोहित, क्योंकि आप भी एनडीए के लाए हैं, एनडीए की मीटिंग जब हुई थी तो उसमें इन सब बातों पर तो फैसला हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को जिसका जो 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 मनाया होगा उन्होंने वो कैबिनेट मंत्री या राजमंत्री अलॉट कर दिया गया होगा, आप लोगों से डिस्कशन हुआ होगा ना रोहित बाकायदा? नहीं देखिए गौरव जी, पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए एक परिवार है, एक दूसरे का पूरक है हम। देखिए परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कमजोर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी लोग जब सहारा देते हैं तो बैसाखी हो जाती है, जो कि कांग्रेस नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नेशनल हैंडल से भी इन्होंने कहीं ना कहीं कमल के फूल के अगल बगल बैसाखी लगा के दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए बैसाखी पे है, बल्कि सच्चाई ये है कि ये परिवार है एनडीए एक, जो कि देश की भलाई के लिए एक साथ आया है और देश के हम मुद्दों के ऊपर हम एक साथ आए हैं। और ये प्री पोल अलायंस का एनडीए है, ये कोई हम पोस्ट पोल अलायंस में तोड़फोड़ करके या खरीद फरोख करके नहीं बनाया है, जिस तरीके से एनडीए अलायंस कोशिश कर रहा है कि हम तोड़फोड़ कर लें, हम खरीद फरोख कर लें, उसके बाद हम किसी तरीके से अपनी सरकार का कोशिश कर रहा है। प्री पोल अलायंस ये प्री पोल अलायंस इसका है, ये कहीं ना कहीं जनता ने ये बताइए इंडी गठबंधन निरंतर आरोप लगा रहा है, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब कोई किसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन, एनडीए घटक दलों को आपके पास कोई ऑफर आया क्या कहीं ना? नहीं, निरंतर बेमतलब की बातें करते हैं, कहते हैं मान लीजिए जयंत चौधरी जी को साफ मंच पे कुर्सी नहीं मिली तो एनसीपी को मंत्री मंडल में जगह नहीं मिली। एक मिनट आप बोलिए रोहित बोलिए। नहीं, ये कहते हैं कि मान लीजिए जयंत चौधरी जी को मंच पे जगह नहीं मिली, ये कहते हैं कि साहब एनसीपी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, ये कहते हैं कि साहब इनके मुद्दे नहीं सेटल हैं। अरे भाई साहब सब कुछ सेटल है, तभी तो गठबंधन में आए थे, तभी तो हम चुनाव में गए थे। अच्छा सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, आप क्यों बैसाखी लगा रहे हैं कमल के फूल के आसपास एक साथ, आप क्यों इनको टीज कर रहे हैं भाई? इनको कोई दिक्कत नहीं मंच पे जगह मिले ना मिले, एनडीए में ऑल इज वेल भाई। देखिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एक सभ्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा साहब हमारे पास चार सांसद नहीं हैं इसलिए हमें कैबिनेट नहीं मिली। तो मैंने ब्रजमोहन जी से हाथ जोड़कर, हमारे मित्र भी हैं, मैंने पूछा कि शिवसेना शिंदे के पास तो सात हैं, उनको भी कैबिनेट नहीं मिली ब्रजमोहन जी? देखिए इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं, जो सोशल मीडिया पे फोटो आएंगी उस पर कटाक्ष भी होंगे, उस पर बातें भी होंगी। आज की डेट में सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, इनकम टैक्स आपका है, उसके बाद तोड़ने की कोशिश हम करेंगे ऐसा तो संभव नहीं दिखता। इतिहास तो ये बताता है पिछले 10 साल से जो जिन लोगों को भी आपने साथ लिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उन लोगों को खत्म किया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उड़ीसा के नवीन पटनायक साहब पिछले 10 साल से लगातार क्या नाम समर्थन दे रहे थे, आज की डेट में उनकी पार्टी को शून्य पर पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 10 साल से जगनमोहन रेड्डी साहब लगातार समर्थन दे रहे थे आंध्र प्रदेश से, उनकी पार्टी को शून्य पर पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी के तमाम विद्वान लोगों ने। तो हम तो इतिहास को रखते हैं और साथ में एक चीज पूछते भी हैं कि जो हमारे क्षेत्रीय दल भले ही एनडीए की तरफ के हैं, एनडीए में है, उनका कोर मुद्दा जाति जनगणना है, वो चाहे आदरणीय जयंत चौधरी साहब का हो, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी का हो, चाहे आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब का हो, और चाहे वो शिंदे साहब का हो, और चाहे वो अजीत पवार साहब का हो, सबका अगर जाति जनगणना मुद्दा है और भाजपा का मुद्दा नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं इस बात को कहते हैं? दूसरी बात पाक ऑक्यूपाइड कॉस्ट से सुनिए, नहीं अगर नहीं है खटपट तो ये बहुत अच्छी बात है, हम तो खुद कहते हैं भाई हम तो जो चीज बात है वो सामने रखेंगे प्रतिपक्ष होने के नाते, हमारे ऊपर बेवजह के जहरीले बयान देने से कोई लाभ नहीं है, अपना और देश का लाभ करने की बात करें। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, चलिए आपने कहा जाति जनगणना, आप लोग भगोड़े हैं आप लोग मत कराइए, आपने कहा स्पेशल स्टेटस, आप लोग भगोड़े हैं कायर हैं मत आप मांगिए, भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 6 महीने में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम हिंदुस्तान में मिला लेंगे, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं एक एक भारतीय, एक एक कांग्रेसी और एक एक प्रतिपक्ष का नेता आपके साथ है, आप
लद्दाख ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाइए। आपने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है और मैं चाहता हूं कि रोहित और ब्रजमोहन जी उनका जवाब दें, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला, कठोर आपने भगोड़े और कार कहा इन अलाइज को, लेकिन प्रेम शुक्ला पीओके के ऊपर बार बार आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखिए रियासी में आतंकी हमला हुआ, उसमें भी पाक समर्थित आतंकी समूहों के बात कही जा रही है, और यहाँ आपसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि 6 महीने में जो आपने कहा था प्रचार के दौरान पीओके आएगा, क्या वो आ रहा है? ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं हम साथ हैं आपके। देखिए जहरीली भाषा क्या होती है सुनाता हूँ पहले आपको। ये आदरणीय उद्धव ठाकरे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने राहुल गांधी को जूते मारो कहा था। मैं इस तरह की भाषा का बहुत मैं विरोधी हूँ कि जूते मारने वगैरह की भाषा नहीं करनी चाहिए, चाहे राहुल गांधी के लिए ही हो। आज वो जो हैं जो हरकत करे अगर उन्हीं की भाषा में कहा जाए तो आनंद दुबे जी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी के जूते चाट रहे हैं, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्हीं की भाषा में कहा जाए तो इस तरह की भाषा का प्रयोग जहरीली भाषा शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी जहरीली भाषा का प्रयोग नहीं करती, ये जहरीली भाषा बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। उद्धव जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो जहरीली भाषा में उद्धव जी को इस तरह नहीं बोल रहे, मेरी भाषा नहीं है। नहीं नहीं जहरीली भाषा सुन लीजिए, आप क्यों एंडोर्स कर रहे हैं जहरीली भाषा? सुन लीजिए भाई, उद्धव ठाकरे कह रहे राहुल गांधी को जूता मारना चाहिए, नहीं नहीं इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए क्या? आनंद देंगे, मैं कह रहा हूं पीओके मारना चाहिए, नहीं बोल रहे राहुल गांधी नालायक को जूते मारना चाहिए। नहीं, ये उद्धव ठाकरे कोट कर रहा हूँ, ठीक है मैं तो विरोध कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं निंदा कर रहा हूँ, तो सुना इस तरह की भाषा का मैं निंदा करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पीओके पर जवाब दीजिए, मैं निंदा कर रहा हूँ। भाई अब आप गजब कर रहे हैं, खड़ी है 6 महीने में, कह दे तो आप कह रहे हैं पीओके आ रहा है कि नहीं, आपकी कठोर भाषा है, नहीं जूते मारो कैसी भाषा है, सॉफ्ट भाषा है। 2007 गौरव जी ने कायर का कायर जो कह रहे थे वो कठोर थी आपके हिसाब से, ये जूते मारो ये मुझे लगता है शॉर्ट पास है, ऐसे ही 2047 का सपना, जूते मारो शॉर्ट पास है। उद्धव ठाकरे को सिखाइए जरा भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, आनंद दुबे जी जरा उद्धव जी को भाषा सिखाइए। अच्छा जा रहा है, बिल्कुल गलत चल रहा है। अरे आनंद दुबे जी आतंकवादी हमले कब समाप्त होंगे? अरे गजब है भाई, मैं उद्धव ठाकरे कोट करते रहो, हम नाराज हो रहे हैं कब कश्मीरी पंडित भाई बहन वहां विस्थापित हो, क्या बातें कर रहे हैं भाई, मैं तो उद्धव को ही कोट कर रहा हूं ना, आदरणीय उद्धव ठाकरे कोट कर रहा हूँ। आप भाग रहे हैं, इसको कायर, इसको कायरता कहते हैं, किसानों ये कायरता है, इनकी बात करने के लिए क्या है? 240 साल तक देश की जनता ने किया जी, उसके तो बाद भी बोले जा रहे हैं भाई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। आनंद भाई सुन लीजिए, आनंद भाई एक मिनट, आनंद भाई आपके पास आता हूं, आनंद भाई आता हूं, एक मिनट, बुर्का फट गया, चिल्लाने लगे, बोल लेने दीजिए, ये बुर्का फट गया आपका जी। प्रेम शुक्ला क्या बोल रहे हैं बोलिए। देखिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाना ये भारत का संकल्प है, ये कोई शशि थरूर थोड़ा है कि शशि थरूर कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। शशि थरूर जैसा कांग्रेस का कुकर्मी नेता, इस तरह की भाषा का जो कोई भाषा प्रयोग करेगा उसको कुकर्मी कहना पड़ेगा। शशि थरूर जैसा कुकर्मी नेता बांग्लादेश के अखबार में लिखता है, अरे कुकर्मी नेता इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, ये आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए भाई, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्रेम शुक्ला, किसी के लिए मत कीजिए, कोई ना करे। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का है कुकर्मी कहना मेरा अधिकार है उसको। अरे कुकर्मी आपके नेता है, कुकर्मी आपके नेता है, भाजपा के नेता है, हमारा नेता कुकर्मी नहीं। मना किया, आपको भी मना करूंगा, आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, हमको भी आता है। अरे प्रेम जी ऐसी बात नहीं, ऐसी बातें नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, किस लेवल पर जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इस लेवल पर मत जाइए। रोहित आप लोग इससे भाग रहे हैं क्या? आप लोग भाग रहे हैं इन मुद्दों से, बताइए रोहित। देखिए देखिए भगोड़ी भगोड़े कौन है ये पूरा देश जानता है, जो निरंतर चुनाव से भागते हैं, जनता के मैंडेट से भागते हैं, जनता ने क्या जनता के मन में है उससे भागते हैं और जनता के मुद्दों से भागते हैं। अरे भाई कांग्रेस की भी तो सरकार है 3-4 राज्यों में इनके सहयोगी दलों के साथ,
भाई वहां पे कराए ना जातिगत जनगणना शुरू, किसने मना किया है, कौन इनसे मना कर रहा है कि जातिगत जनगणना मत कराइए? भाई आप शुरुआत कराइए, आपको हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, 10 साल से जनता आपको नकार चुकी है, आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। भाई ब्रजमोहन जी आप भी जवाब दीजिए इसका, आपको भी जवाब देना चाहिए। कायर और भगोड़े हैं एनडीए के अलाइज, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी जो मुद्दों से भाग रही है, बताइए ब्रजमोहन जी। देखिए कि जाति जनगणना की जो बात चल रही है, तो सबसे पहले तो कांग्रेस को खुद के अपने जो उनका संगठन है और उस पर जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मैं सोचता हूँ वहाँ से जनगणना अगर जाति गणना की शुरुआत करेंगे तो बहुत सारे चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये 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 मुद्दा मैं सोचता हूँ अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर दल की अपनी अपनी एक कमिटमेंट है अपने मतदाता के साथ, तो उसके लिए कॉमन मिनिमम। ठीक है, ओके, सुरेंद्र राजपूत अभी ये अहम नहीं है, अभी सरकार बनाना अहम है, ये मुद्दे अहम नहीं है। ओके, समय कम है, सुरेंद्र राजपूत बताइए आप क्यों अभी ये कर लेंगे, ये आपस में बात कर लेंगे, आप क्यों इतना हमको कायर और भगोड़े कह रहे हैं? बिल्कुल 20 सेकंड, उसके बाद प्रेम शुक्ला। हम इसलिए कह रहे हैं साहब कि हमें हाँ बिल्कुल, हमें ब्रजमोहन जी से बिल्कुल हमारे बड़े भाई हैं, हम तो कहते हैं कि आप अपने मुद्दे पीछे हटा रहे हैं, हटाइए। और रही बात हमारी, 3 राज्यों में जाति जनगणना लगभग पूरी होगी, जल्दी आंकड़े कर देंगे, हमने तो बिहार में भी कर दिया था, आने वाले समय में कर्नाटक में भी कर देंगे, तेलंगाना में भी कर देंगे और हिमाचल में भी। लेकिन आप अगर क्षेत्रीय दल अपने मुद्दों से पीछे हट रहे हैं तो वो कायरता का प्रमाण दे रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना कहना है। और आदरणीय प्रेम शुक्ला जी से इतना कहना है कि इधर उधर की बातें करने की जगह पर पीओके को अगले 3 महीने में कर देंगे, ठीक, नंबर एक। नंबर दो, पीओके को 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हमने नहीं, हमारा तो संसद में हमने अभिमत दिया था सबके साथ में कि पीओके हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, आपने कहा भाजपा वालों ने कि 6 महीने में लाएंगे, 6 महीने में लेकर के आइए, उसमें शशि थरूर को इधर उधर की बातें करके लाभ क्या है? 10 सेकंड और दे रहा हूं मैं प्रेम शुक्ला जी, 10 सेकंड। देखिए जाति ये जनगणना करें, जनगणना राज्यों का अधिकार नहीं होता, इसी समझ सकते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं कांग्रेस के हम लोगों के मित्र जो हैं। जाति सर्वेक्षण आप कर सकते हैं, जाति जनगणना राज्यों का अधिकार नहीं है। और जहां तक बात है भाई, कायरता भगोड़े बहुत अच्छे शब्द हैं, मैंने कुकर्म कह दिया, आप चीखने चिल्लाने लगे, तो इसी से समझ में आता है कि आपका भाषाई स्तर, भाषाई ज्ञान बहुत सीमित है राजपूत जी। पीओके सर, आप जब जो है कायराना कायर और भगोड़े कहेंगे तो शशि थरूर जो कुकर्म कहेंगे उसको कुकर्म भी कहना पड़ेगा। सर आप उसर में जाइए, पीओके पे क्या कहना है, 10 सेकंड सर, पीओके। पीओके हमारा संकल्प है, हम लेंगे, हम कांग्रेसी थोड़े हैं कि भारतीय कश्मीर को भी कह दें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर।